जय हिंद दोस्तों, मैं गीसा हूँ, आप सभी का प्रिंट मीडिया में स्वागत करती हूँ। आज है 2 दिसंबर, एसएससी जीडी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हुआ। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। कैसा रहा एग्जाम? अच्छा था, लेकिन करंट की जो हालत है वो बेकार है। बहुत ही मतलब करंट ना तो 20 का है ना तो 19 का है। करंट सिर्फ 2020 का महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे आया था, उन्होंने संन्यास कब लिया था। वही एक ही क्वेश्चन बन रहा है करंट से, या कितने बन रहे हैं टोटल? करण से शायद 4-5 या बन रहे हैं। चार पाँच जी। कोई अवार्ड या इंडेक्स से? कोई नहीं, कुछ भी नहीं था। ना अवार्ड था, ना इंडेक्स था, ना ओलंपिक्स था, ना पैरालंपिक्स था। मतलब था किससे फिर? अब इसको हम भी नहीं समझ पा रहे कि था। हम भी कंफ्यूज है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ से रहे थे। हिस्ट्री वगैरह? हिस्ट्री से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था बस। किस टाइप का क्वेश्चन? हिस्ट्री में शायद शाह आलम द्वितीय के बारे में आया था। और पॉलिटी से कितने क्वेश्चन थे? पॉलिटी से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। किस टाइप का? पॉलिटी से एक क्वेश्चन आया था लेकिन याद नहीं है। आर्टिकल वगैरह से? आर्टिकल नहीं था। हिंदी का क्या लेवल रहा? हिंदी का इजी था। हिंदी का तो इजी। मुहावरे कौन से बन रहे? मुहावरे थे ये सरल थे। हिंदी 25 में 25 की है और मतलब ज्यादा कठिन। मैथ का था मॉडरेट, था मॉडरेट टू हार्ड। किस टॉपिक से ज़्यादा टफ क्वेश्चन बन रहे हैं मैथ में? मैथ में शायद उसमें था टफ, प्रॉफिट एंड लॉस से टफ था। आपने कितने क्वेश्चन लिए? 100 मारे पूरे। 100 पूरे? तुक्का तो नहीं मारे आप? मैथ में तुक्का मारा। टाइम नहीं बचा? नहीं बचा, टाइम कम पड़ गया था। और बात करें करंट किस ईयर की, करंट बहुत पुराने करंट अफेयर्स बन रहे हैं, न्यू नहीं है। आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैम मेरा 77 अटेम्प्ट करा था मैंने। हाँ। और करंट अफेयर एक नया आया था, वो चंडीगढ़ का ईट राइट स्टेशन करके आया था। हाँ। वो कौन से नंबर का बना है? महेंद्र सिंह धोनी से। मैम एक क्वेश्चन आया था कि दिसंबर 2020 में किसने संन्यास लिया था। ऑप्शन में था सुरेश रैना था और महेंद्र सिंह धोनी था, एक में था कोई त्यागी करके था, और एक था पार्थिव पटेल, जिसमें पार्थिव पटेल सही था उसमें। 20 के पूछे जा रहे हैं? हाँ मैम, 2020 के करंट अफेयर थे ज़्यादा, और 2021 के एक ही करंट अफेयर मिला था जो ईट राइट स्टेशन चंडीगढ़ को मिला है, वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था इसका करंट। और बात करें हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? मैम हिस्ट्री से तो लगभग एक क्वेश्चन ही आया था, एक कोई वंश करके पूछा था, वो क्या नाम है, नाम नहीं याद आ रहा, कुछ अजीब संस्थापक वगैरह था। संस्थापक बिल्कुल नहीं था वो। एक पॉलिटी से एक क्वेश्चन आया था, वो आर्टिकल 74 का एक क्वेश्चन आया था। आर्टिकल से बन? हाँ, मंत्रिमंडल टाइप का था, मंत्रिमंडल टाइप का। अच्छा। और नदी वगैरह से लोकनीति? नदी और लोकनीति से एक भी क्वेश्चन नहीं था। झील से भी एक भी क्वेश्चन नहीं था। अवार्ड वगैरह? अवार्ड में आया था 2020 का आया था, गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला था। और उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, एक मंदिर का क्वेश्चन आया था, वो मंदिर भवानी करके कोई मंदिर था, वो क्वेश्चन आया था, एक भवानी करके मंदिर था। ऑप्शन में थे हिमाचल प्रदेश था, और एक उत्तराखंड ऑप्शन में था, और एक पंजाब ऑप्शन में था, और एक राजस्थान, चार ऑप्शन थे, और वो भवानी करके कोई मंदिर था, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 88 क्वेश्चन किए। आपने कितना किया? मेरा? आपने किए नहीं। हिंदी का क्या लेवल रहा? हिंदी में बहुत अच्छा लेवल था, उसमें जो पर्यायवाची विलोम बहुत अच्छे थे। पर्यायवाची कौन सी बन रही? पर्यायवाची एक जो उसका था मिस बड़ा या छोटा मुहावरा, वो बहुत अच्छे थे, मतलब ज्यादा टॉप हर नहीं था। किस और मैथ का लेवल क्या रहा? मैथ का भी इजी था। किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पुट अप किए जा रहे हैं? किस टॉपिक उसका था यार? लाभांशी तो चार क्वेश्चन। ये और बात करें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से क्वेश्चन बन रहे? अरे उसका एक दो क्वेश्चन, बाकी उसका नहीं आया था कोई। पॉलिटिक्स से कितने क्वेश्चन बन रहे? पॉलिटिक्स से दो तीन क्वेश्चन थे। दो तीन क्वेश्चन किस टाइप के थे, आर्टिकल या थे? आर्टिकल में थे। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल में मिस प्रतिशत से जैसे नहीं पूछा जाता उस मॉडल का। और बात करें ज्योग्राफी से क्वेश्चन? ज्योग्राफी से नहीं, उतना नहीं आया। साइंस वगैरह से? हाँ साइंस से आया था, टू था। कौन सा क्वेश्चन? एक वृक्ष मतलब कौन से अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मतलब ये। आपने कितने क्वेश्चन? जी मैम। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 87 मैम। 87 जी मैम। हिंदी का क्या लेवल था? हिंदी बहुत सारा था मैम। विलोम वगैरह कौन से आया? विलोम वगैरह मैम याद नहीं रहा सर। वर्तनी में उज्जवल आया था सर। उज्जवल जी सर। और समानार्थी याद नहीं रहा मैम।
जी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज इनसे ज्यादा मैम थे। कितने क्वेश्चन मैथ में थे जो टाइम टेकिंग थे? टाइम टेकिंग मैम 10-12 क्वेश्चन। 10-12 किस टॉपिक से थे? सभी मैम साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लाभ हानि यही सब थे। और बात करें रीजनिंग की, ब्लड रिलेशन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? रीजनिंग मैम और नॉर्मल लेवल थे रीजनिंग। ब्लड रिलेशन से 4 क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन से किस टाइप का, प्लस माइनस या रिलेशन? रिलेशनशिप तो मैम कि जैसे इसकी माता ये हैं, इसकी बहन ये हैं, तो इसके इसके बीच में क्या संबंध होगा इस तरह में। कोडिंग रिकॉर्डिंग, कोडिंग रिकॉर्डिंग क्वेश्चन थे मैम 3-4 क्वेश्चन लगभग। 3 क्वेश्चन। सीरीज से कितने बन? सीरीज 3-4 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? हम इसमें किए थे 75। करेक्ट होंगे? करेक्ट तो क्लियर है, लमसम 40-50 तक का है बस। और बात करें मैथ का क्या लेवल रहा? लेवल भी मैथ का ठीक था, लेकिन हम क्या के बारे में मैथ लिए ही नहीं है। अच्छा। लेकिन जिसके कारण हम किए हैं वो भी मैथ का। और बात करें रीजनिंग का क्या रहा? रीजनिंग का भी ठीक था, काफ़ी अच्छे थे। सिटिंग अरेंजमेंट से कितने क्वेश्चन बने? वो बने थे 10-12 बने थे। 10-12 क्वेश्चन सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट से बन रहे हैं? हाँ, तो उसमें बस यही सब किए थे, उसके आगे से नहीं समझ पाए थे हम लोग। अच्छा। जो जो समझे थे वही वही किए थे। जी एस में लोक नृत्य, पॉल्टी, झील, इन सबसे कोई क्वेश्चन? ये सबसे नहीं हमें मिला। नहीं मिला? नहीं। करंट किस ईयर का पूछा जा रहा? करंट ईयर से एक पूछा गया था, हम लोगों को नहीं पता था। किस ईयर का, 20 का या 21 का? शायद 20 का था क्या? ये हमने 96 क्वेश्चन अटेंड किए। 96 जी मैम। पूरे करेक्ट होंगे? नहीं पूरे तो करेक्ट नहीं, कुछ माइनस में जाएंगे। कुछ माइनस में? टाइम नहीं बचा था ना? हाँ टाइमिंग नहीं बचा था, कम से कम 15 मिनट लेट था। अच्छा, इसीलिए तुक्का लगा दिया आपने? हाँ तुक्का लगाया, काफी लगाया। और हिंदी किस लेवल का था? हिंदी तो लेकिन लास्ट वाला थोड़ा सा वो खराब आया था। और पहले मतलब ये क्या कहते हैं वर्तनी और विलोम सब ये थोड़ा सा बहुत हार्ड आया था। कौन सा वर्तनी था, कुछ आइडिया है? आइडिया तो मैम नहीं, लेकिन क्वेश्चन हार्ड आए थे उसके, मैथ के भी हार्ड। पॉलिटी से या साइंस से कोई क्वेश्चन याद है? साइंस से तो नहीं याद। साइंस से कोई क्वेश्चन नहीं मैम? नहीं। और पॉलिटी से? पॉलिटी से भी नहीं याद। आर्टिकल से? कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं याद है। और क्या कहते हैं करेंट अफेयर के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? करेंट अफेयर के तो जो है 2016 तक की करंट आई थी इसमें। 2016 के? हाँ। किस टाइप के करंट बन रहे हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी से कुछ बता रहे हैं? हाँ, महेंद्र सिंह वो पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। अच्छा। और कोई इंडेक्स अवार्ड इन सब से? नहीं, इंडेक्स अवार्ड मतलब कोई जीतने वाला नहीं आया था इस तरह क्वेश्चन, तरीके नहीं। तो किस टाइप का करंट बन रहे हैं? करंट जो है 2020 की और 16 तक की आई थी करंट। तो फ्रेंड जैसा कि हमने छात्रों से बात किया, उनका कहना है कि मैथ जो है कैलकुलेटिव लेवल का आ रहा है और रीजनिंग जो है मॉडरेट लेवल की है, हिंदी जो है वो लगातार लोग बता रहे हैं कि इजी लेवल की आ रही है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके आइए। थैंक यू एवरीवन।